हेलो नमस्कार साथियों मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में चलिए एक बार जुड़ जाइए चैनल को ज़रा शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए स्टार्ट करते हैं आ गए भैया हम तो आ गए आप भी आ जाइए चलिए आप भी आ जाइए हाँ जी आज है सेट नंबर सेवेंटी एट ठीक है मुझे थोड़ा बता देना भाई कितने हैं दिखने का मुझे तो सामने सिक्स दिख रहा है अभी तो स्टार्ट हो जाएगा चलिए ठीक है लेते हैं टाइम को बिना गवाए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ ये लो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर वन हाँ भैया जी आएगा जी चलिए स्टार्ट क्वेश्चन नंबर वन सर बच्चे तो आए ही नहीं है शायद आप आए हैं तो और बच्चे भी आ जाएंगे ठीक है जी बहुत बढ़िया भाई फाइल में तो आज बढ़िया लग रही है बहुत ठीक है आगे भाई आगे, आगे, आगे आप लोग भी आ जाओ देखो पॉइंट बहुत बढ़िया करो आंसर ठीक है भाई थैंक यू कोशिश करूंगा इसका भी ऐसा ही रहे अच्छा रहे बढ़िया रहे ठीक है चलो चंद्रशेखर ठीक है भाई चंद्रशेखर बताओ जरा क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे हाइपो हाइपो का मतलब होता है देखो दो चीजें होती हैं एक तो होता है हाइपर तुम कभी कभी कहते नहीं हो अपने दोस्त है अब ज्यादा हाइपर क्यों हो रहा है, है ना तो ज्यादा हाइपर होना मतलब ज्यादा गर्मी खाना ज्यादा खाना गर्म होना है ना गुस्से में आना और यहां पर क्या लिखा है यहां पर लिखा है वर्ड हाइपो क्या लिखा है हाइपो तो ये क्या होता है कम होता है कैलेमिया अब भाई साहब आधे भाई साहब तो फटाफट आंसर लगा देंगे चलो ठीक है बहुत बढ़िया कैलेमिया को समझते ही और डैश डैश में भरना है कैलेमिया का मीन्स यहां पर भैया कैल्शियम से मत मान जाना ठीक है ये ऐसा फूड है ऐसा भोजन है ऐसा भोजन जिसमें कमी है किसकी कमी है पोटेशियम युक्त फूड की ठीक है भैया ऐसा फूड जिसमें कमी है किसकी पोटेशियम की तो उसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा हाइपोकैलेमिया आगे समझ में यानी कि पोटेशियम की कमी हो जाएगी आयरन की नहीं आयरन की, की नहीं अगर आयरन की होगी तो नाम आ जाएगा एनीमिया ब्लड की कमी तब उसको नाम देंगे एनीमिया ठीक है चलो ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है इन में से निम्न में से इन्हीं चारों में से कोई सा ठीक है कौन स्थलीय वास ठीक है स्थलीय मतलब स्थल यानी कि जमीन ठीक है यानी कि जमीन धरती वहां पानी का कोई चक्कर नहीं है का एक उदाहरण है का एक उदाहरण है ठीक है जमीन होनी चाहिए बिल्कुल वहां पर ओके चलो तो देखो क्या बोलता है त्रण भूमि यानी कि ग्रासलैंड दूसरा है लेगून तीसरा है चट्टाने और चौथा है दलदल आंसर करो सिंपल क्वेश्चन अगर थोड़ा भाषा की बात समझे तो अगर थोड़ा सा भाषा को समझे तो ठीक है जी ओके okay, तो देखो क्या जाएगा आंसर भैया वो है आपका ग्रासलैंड अगर आपने डिस्कवरी चैनल में देखा हो बहुत बड़े बड़े घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं लेगुन क्या है एक ये नमकीन जगह होती है पानी की और ये क्या है चट्टाने ये जमीन पर नहीं है यहां पर बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं क्या है बड़ी बड़ी रॉक्स दलदल यहां मिट्टी भी है और उस मिट्टी में आपका पानी भी है आगे बात समझ में मिट्टी में क्या है उसके साथ पानी है मतलब दलदली आप लोग जानते हैं अच्छे से मिट्टी के साथ पानी पूरी तरह से मिक्सअप नहीं लेकिन वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग दलदली मिट्टी पानी के साथ है मिट्टी और पानी दोनों है है ठीक जी ओके मैन वाइल्ड ने देखा तो उसी में दिखाता है बड़े बड़े जो जंगल से होते हैं ना वहां पक्षी भेड़ ये सब डोलते रहते हैं वहां पर ठीक है चलो जी आगे एक बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हाँ हो गया क्या जा रहा है ए जा रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा जब भी देखो मैं ना भी कहूं तो तुम मेरे मन की बात समझ जाओ है ना बाबा जाने मन की बात विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा निम्न का मतलब इन्हीं में से कौन सा ठीक है 25 है 25 क्वेश्चन है भाई ठीक है जी चलो ओके सर कल मेरा पेपर है आशीर्वाद दे दो ठीक है भाई देखो ये सब भगवान का आप हमारे ऊपर भगवान का और गुरु का भी एक तरीके से भगवान का दर्जा होता है आशीर्वाद तो सदा साथ सा भाई ठीक है ना आप पेपर देखा हो बढ़िया तरीके से चलो ठीक है बंटीपाल कल आपका भी है बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए जिनका कल है उन सबका कल बहुत बहुत शुभकामनाएं चलो नेक्स्ट <laughs> बात करते हैं कौन सा हार्मोन है कौन सा हार्मोन है क्या कह रहा है सर आपका ओके ओके ठीक है कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने के लिए सहायक होता है अब कल पेपर है आज आप लोगों को तनाव घेरने वाला है थोड़ा सा तो कोशिश करूंगा ओ भैया हेलो राजेश उससे पहले प्रियंका शर्मा नहीं जानते ना समझो क्योंकि मेल हार्मोन की बात है तो आपका ऐसा हार्मोन कौन सा है जो आपको स्ट्रेस फ्री कराए आपको बड़ा अच्छा सा महसूस कराए बहुत अच्छी सी फीलिंग आए ठीक है जी आज मैं ऊपर जमाना है नीचे तो इनमें से ऐसा कौन सा है देखो भाई साहब ये है कैल्सिटोनिन ये रिलीज करवाता है कैल्शियम अच्छा मेलेटोनिन आप काले हैं या गोरे हैं इसको डिसाइड करवाता है कौन यानी कि रंग को निर्धारित करवाता है आपका मेलाटोनिन बचता है कौन मेल एक इंसान है मेल लगना चाहिए मेल के जैसा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये मेल है है? दिखता मेल है लेकिन है कैसा फीमेल के जैसा ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर तीन ऑप्शन आपके काम खत्म एक बचता है आपका वो कौन है सीरोटोनिन कौन है रोन ये क्या करता है ये आपके स्ट्रेस को करता है कम देखो मैं भी तुम्हारे सामने हुँ, हैप्पी हुँ, बिल्कुल ऐसा ठीक है तो ये क्या करता है, का है क्वेश्चन है, है? में देखो पूछा है में से कौन सा और उम्मीद है कल को जो आपका पेपर है शायद यहां से कोई क्वेश्चन लग जाए इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए आपको शायद ठीक है जी ये लो क्या कह रहा है इन में आपको बताना है क्या बताना है आपको बताना है किसके बारे में इसके बारे में कौन है रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज की थी किसने ये तो तुम पक्का. ये तो तो तुम तुम बताओगे बताओगे पक्का है ना जी बिल्कुल भाई बिल्कुल एकदम ठीक है जी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की विलियम कौन विलियम हॉर्वे तो फिर एक और है शायद उम्मीद करता हूं कल ऑप्शन में पेपर में मिला कहीं ना कहीं कौन बताया था आपको हुक कौन हुक और दूसरा कौन है हॉक ये जो हुक है इसने बताया था मृत कोशिका के बारे में कि सबसे पहले कोशिका की खोज भी करी और शायद अब तक तो किसी ना किसी पेपर में आ भी गया होगा मे भी ठीक है कौन ये वाला ऐसा हो नहीं सकता तुम्हारा एसएससी का पेपर हो जाए और इसके बगैर होके चला जाए इसके ऊपर कुछ ना कुछ आएगा आ भी गया होगा शायद दूसरी बात करते हैं हॉक हॉक ने जो पहली बार बताया देखो पहलीक यह पहला हुक के गया जिसको निकाला सेल के बारे में। दूसरा आता है हॉक इसने बताया जीवित कोशिका के बारे में किसके बारे में जीवित कोशिका के बारे में जिसने सबसे पहले बताया वो है आपका हॉक आगे भाषण में ये दोनों भाई भाई ठीक है जी एक ना एक हर बार आपका टपकता रहेगा पेपर में चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है बायो केमिकल बायो केमिकल मतलब जैव रसायनिक मतलब जैव रसायनिकैव okay. तो रसायनिक के बारे में एक यौगिक है तुम्हारी बॉडी है जैसे तुम सबकी बॉडी है ठीक है तो उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर ठीक है इसको बोलते हैं चिनॉप्स या ऐसा बोल दो चीनोप्स ठीक है ऐसा कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर ऐसा ऐसा ठीक है अब उसमें से पांचवे का आप लोग बोल बोल रहे बोल रहे हो हो ए ठीक है तो देखो बायोकेमिकल जैव रासायनिक यौगिक क्या है ऐसा पूछ रहा है खनिज आधारित यौगिक है जो सजीवों में पाए जाते हैं ओके खनिज आधारित यौगिक है ऐसा क्या दूसरा सल्फर आधारित यौगिक क्या सिर्फ सल्फर पर आधारित यौगिक है जो सिर्फ जीवों में पाए जाते हैं क्या ऐसा तीसरा आगे बात करते हैं कार्बन आधारित यौगिक है जो सजीवों में पाए जाते हैं क्या और अगला हाइड्रोजन आधारित यौगिक है जो सजीवों में पाए जाते हैं कौन देगा आंसर आंसर कौन देगा कम कमेश शर्मा कमेश शर्मा ठीक है बहुत बढ़िया सोना जाटव दो बहुत बढ़िया देखो समझो मेरी बात को अभी समझाता हूं क्या है कार्बन आधारित यौगिक है देखो भैया मेरी जो बॉडी है ये जो बॉडी है है ना हम जो भी कुछ खाते हैं इट इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो द सोर्स ऑफ कार्बन ठीक है जी ओके हो हो गया 50 -50 हो गया है ये वाला तो तो तुमने 50 -50 में क्या क्या हटाया होगा एक तो सबसे पहले सिर्फ सल्फर को हटाओ अकेले सल्फर की बात नहीं है अकेला हाइड्रोजन की बात नहीं है कार्बन आप जितना भी केमिस्ट्री में कुछ भी देखोगे आपको हंड्रेड परसेंट नाइन आपको कहीं कही ना कहीं हर बार क्या दिखेगा कार्बन बेस्ड है ये ठीक है जितनी भी चीजें होती है ज्यादा रिलेटेड है किसके साथ कार्बन के साथ में बोलो जी बात समझ में आई क्लियर है ओके okay, आपने बताया था ए ए में मतलब सब कुछ है हाइड्रोजन भी है, वो भी ठीक होता अगर ये नहीं होता तो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट ये जाता ठीक है लेकिन ये कैसा है ये है आपका कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल ठीक है जी और जो किसमें पाया जाता है सजीवों में पाया जाता है गलत हो गया तो टिक लगा लो कहां लगाओगे आप इसको अपने हिसाब से देखो कि आपको एम में लगाना है या आप एक बार में इसको फिर से सही कर सकते हैं ऐसा नेक्स्ट स्पीड मुझे लगता है ज्यादा नहीं है आपके पेपर के हिसाब से थो थोड़ा जल्दी करा देता हूं ठीक है ओके समझो इस बात को ये कौन है ये है आपका दिल कौन है ये आपका दिल ये नॉर्मली समझाता हूं बस आपको ज्यादा वैसे नहीं समझाऊंगा देखो समझो ये आपका डायग्राम आ जाता हूँ दिल का किसका डायग्राम आ जाता हूं दिल वाला सिंपल ये वाला और ये वाला ऐसा ऐसा ये डायग्राम बन गया आपका किसका दिल का किसका बन गया दिल का ऐसा अब होता क्या है इसमें यहां पर इसमें आता है ब्लड यहां से मान लो ये है फेफड़े कौन है यहां पर फेफड़े यहां पर है आपके बॉडी पार्ट्स तो यहां से यहां इसमें आती है ऑक्सीजन फेफड़ों में आई और फेफड़ों से एक ट्यूब लेकर के आती है इस को यहां से ब्लड के साथ आएगी यहां पर ये यह यह पहुंच जाएगी क्या दे रहे हो देखू तो तुम्हारा दे दे तो देख रंजन कितना तो बढ़िया दिख रहा है? है क्या हमारे वाले में चमक ज्यादा लग रही है क्या जी पोल चालू करना भूल गए क्या भाई पोल चालू कर दे भाई कर दो देखो क्या बोल रहा है लॉन्गर देन देखो भैया बड़े छोटे का चक्कर नहीं है लॉन्गर देन या बाई की तुलना में अब समझो जरा एक और एक तो ये वाला है ठीक है इधर वाला इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वाला कौन सा बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम यह होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है ये होता है बल दाया और बाया ठीक है तो ये वाला बाया अलिंद बाया निलय यहां से ये जो ट्यूब आती है ये वाली होती है थोड़ी पतली कैसी होती है पतली होती है अच्छा यहां से जो रक्त आता है मैं आपको रेड ही बनाऊंगा सारा का सारा क्योंकि इसमें ब्लड आता है प्योर कैसा आता है प्योर ठीक है ये वाला पार्ट सारा का सारा जो रेड रेड दिखा रहा हूं ना सारे में ब्लड है प्योर कैसा है सारे में ब्लड प्योर समझना बस इसको थ्री में दिखा कर नहीं पा रहा हूं तो थ्री डी में नहीं दिखा पा रहा हूं इसमें से क्या होता है जब अगर ये बाहर की तरफ होता है की तरफ निकला हुआ होता तो इसमें भीतर से ट्यूब निकलती है और कहां से निकलती इसके बाहर से होते निकल जाता है पूरी बॉडी को चला जाता है ब्लड ए यहां से यहां से और ये होती है काफी मोटी सी ट्यूब और इसको बोलते हैं महा महाधमनी क्या बोलते हैं महाधमनी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं एरोटा क्या बोलते हैं एरोटा तो ये वाली बात ये बड़ी होती है और ये वाली कैसी होती है ये वाली छोटी होती है एक बात और फिर यहां से होकर के पूरी बॉडी को जाता है पूरी बॉडी को सबको ले सेल टू बी ऑक्सीजन तू भी ले ऑक्सीजन सबको दे दी ऑक्सीजन और उनसे बदले में क्या ले ली लाओ सी लाओ तुम्हारी बॉडी में तो है सब लोग लोग ले ली इसको ब्लड लेके चल दिया फिर उल्टा क्यों ये फेंकनी है बाहर हम लोग सांस छोड़ेंगे तो ये कहां जाएगी बाहर तो सबसे ले ली सीओ टू इकट्ठे करके ले आए और लाए के हार्ट के इस पार्ट में और इस पार्ट से निकलती बाहर और फिर दे दी अगेन लंग्स को तो यहां से निकलती है और ये वाली होती है इम्प्योर ब्लड कौन सा होता है अब आ रहा है आपका ये नीला नीला है इम्प्योर ब्लड ये आ गया ये आ गया फिर हर के भीतर से एक और ट्यूब निकलती है और ये निकल जाती है बाहर कहा निकल जाती है बाहर यहां इसमें प्योर है यहां इसमें इम्प्योर है कहने का मतलब ये वाली जो ध्वनि होती है ये होती है बड़ी क्या होती है बड़ी और ये वाली होती है छोटी ठीक है जी चलो भैया ओके ओके ठीक है भाई ठीक है कौन है सागर डेढ़ा अच्छा ठीक है तो ये जो महाधमनी है ये कैसी है ये वाली है वाइडर कैसी है वाइडर और ये वाली कैसी है ये वाली है पतली तो आंसर देख लो वाइडर देन लेफ्ट लेफ्ट ये left वाला पार्ट है ये कैसी होती है वाइडर होती है देन लेफ्ट वाली से हाँ जी किस किस को ये बात एक बार समझ में आई अगर तुम्हें ये बात समझ में आई तो मुझे बताओ पहले किस किस को ये वाली बात समझ में आई है भाई दिखाना मुझे किस किस को ये बात समझ में आई है Yeah. पोल में देख रहे हैं बच्चे चलो ओके okay. ठीक है थैंक यू आगे चलते हैं भाई ये लो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से ये ये मैं उसमें डलवाऊंगा भाई ये क्वेश्चन क्या है साइंटिफिक नेम है तो समझना ही पड़ेगा बस केवल ठीक है जी देखो कैनिस कैनिस ल्यूपस कैनिस ल्यूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है भाई साहब हाँ जी मुझे समझ में आ गया अगर किसी को रिपीट करो ये क्वेश्चन मैं करता हूँ मैं करता हूँ चलो एक बार एक बार कर देता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है थोड़ा सा टेक्निकल है मैं थोड़ा सा आगे आ रहा हूँ बस केवल किसी एक आदमी को मैं सामने लेकर के आता तो मैं साथ बिहार की धरती से सलाम थैंक यू भाई देखो समझो बस एक बार समझना छोटा सा है क्वेश्चन मैं डीप ज़्यादा जाऊंगा नहीं बस वैसे बताऊँगा बहुत बढ़िया से क्या है ये मेरा शरीर है काटो इसको आधा आधा काटो दो पार्ट्स में कट कर दिया तो हर्ट कहाँ होता है यहाँ वाले पार्ट में ठीक है चलो अब जैसे ही मैंने सांस ली तो तुमने मैंने क्या लिखा है ऊपर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये उक्षियन आएगी लंग्स में समझना मेरी बात को अब ये ऑक्सीजन लंग्स में आएगी ओके लंग्स में आएगी तो लंग्स के यहां ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ ऊपर उनके ऊपर खोल है खोल ठीक है उसको बोलते हैं पिलूरा क्या बोलते हैं पिलूरा अब इन फेफड़ों में से हवा रिसेगी हवा रिसेगी यहां से ठीक है और यहां ट्यूब जा रही है यहां पतली पतली ट्यूब जा रही है ये जा रही है यहां पर इनको बोलते हैं कैपलरी और आर्टरी ठीक है चलो ये ऑक्सीजन से रिसेगी और कहा जाके मिल जाएगी आर्ट्रीज में कहा जाके मिल जाएगी आर्ट्रीज में ये ले गई अब समझेंगे जरा क्या होता है ये री ए ये, ये ले गई ब्लड को ये लेके चली गई ब्लड को ये है आपकी वीन्स जितनी भी ट्यूब जितनी भी ट्यूब है पतली पतली ट्यूब है ऐसी जो ब्लड लेके जाती है हार्ट में उनको बोलते हैं उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं जो ब्लड लेके आ रही हैं, है, हैं आर्टरी या तो जा रही है ये देखो यहां पर। समझो ये लेके जा रही यहां से एक तो ये लेके जा रही है और एक ये लेके जा रही है प्योर ब्लड इम ब्लड कहा लेके जा रही है लंग्स को वापस एक ये लेके जा रही है ठीक है यहां से ये लेके जा रही है

जो आर्ट्री है वो लेके जाती है इम्प्योर ब्लड को उसका नाम है पल्मोनरी क्या नाम है बड़ी वाली धमनी तो ये जो वाली धमनी लेके जा रही है ये बड़ी है ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में ये वाली धमनी कैसी है बड़ी ये वाली धमनी कैसी है छोटी तो उल्टे हाथ की येरी सीधे हाथ की येरी तो वो कह रहा है वाइडर देन द लेफ्ट बाई की तुलना में कैसी होती है यह चौड़ी होती है आगे समझ में जी चलो ओके नेक्स्ट एमटीआर में तो डाल लो इसको एमटीआर में तो डाल लो अगर देखो भाई साहब अगर कभी अस्सी सौ पचास बार यह क्वेश्चन आया होगा तो क्या होगा इस क्वेश्चन में से कम से भी कम थर्टी बार तो यही क्वेश्चन पूछता है महाधमनी के बारे में कैसा बल कैरी करती है प्योर कैसी होती है बड़ी इसकी कंपेरेटिव जो धमनी होती है वो कैसी होती है छोटी ठीक है एम में डाल रहा डालो अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है ठीक है चलो एक बार और लूंगा फिर भी कभी कभी इसको फिर भी लूंगा दोबारा से आगे चलते हैं नेक्स्ट कैनिस ल्यूपस कैनिस ल्यूपस नाम पूछा है क्या पूछा है कैनिस ल्यूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है प्रीवियस ईयर है क्या ये हाँ कुछ प्रीवियस ईयर का है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनकी प्रॉबलिटी बहुत अच्छी है ठीक है तो कैनिस कैनिस और ल्यूपस देखो कैनिस नाम से आता है बेसिकली इनके दांतों से आता है टीथ से आता है जो चीरने फाड़ने में कामयाब है चीरने फाड़ने में योग्य है ठीक है तो चीरने फाड़ने का काम कौन कर सकता है यहाँ पर कैनिस दांतों में लूपस तो भी नहीं देखता है गाय चीरने फाड़ने का काम करती है नहीं भाई घास खा लेती है तो नॉर्मली बकरी बकरी भी घास खाती है ज्यादातर तो यही खाती है ग्रे वोल्फ और हैन मुर्गी तो भैया एक ही है भेड़िया कौन है भेड़िया चीरने फाड़ने का काम किससे मिलता है हमको ग्रे वोल्फ से ठीक है जी पांच घंटे पढ़ता हूं पर एग्जाम नहीं आ रहा कौन सा वाला नहीं आ रहा कौन सा वाला नहीं आ रहा बता है चलो ठीक है आगे बात करते हैं प्रिया ताकी का क्वेश्चन देखना भाई एक बार है ना कैसे पढ़ते हो जरा थोड़ा वो भी तो बताओ टाइम टेबल में फिर मैं उसमें तो थोड़ा चेंजिंग करवाता हूं ऐसा ठीक है देखो इसमें क्या लिखा हुआ है तुम इसका आंसर कर दोगे शायद ऐसे दो चार क्वेश्चन तो मिल जाए और तुम उनको सीधे के सीधे करके आ जाओ ओके ओके प्राइमरी सुपर टेट का आ जाओ देखो क्या बोल रहा है निम्न में से कौन सा जीव है अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसको अपना शिकार भी पकड़ना है और उसको पकड़ने के लिए क्या करता है एक ध्वनि निकालता है और उस ध्वनि को ये बोलता है अल्ट्रासोनिक साउंड क्या बोलता है अल्ट्रासोनिक साउंड गुलाम मोहम्मद अभी हम लोग देखो डेली बात होता है इसके बारे में डेट डेट आएगा आएगा पॉसिबल जब तक भी आएगा, आपको काम उसका मिल जाएगा पक्का ठीक है चलो आगे आंसर आ रहा है बच्चों का ठीक है तो उसका आंसर क्या है उसमें सिर्फ एक ही है इसका कई बार अलग अलग दे रखा है और वो कौन है चमगादड़ ये चमगादड़ क्या करता है सपोज करो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है ये खुद ये चमगादड़ है यहाँ पर ऐसे ऐसे तो ये क्या निकालता है ये साउंड निकालता है ऐसी ध्वनि निकालता है और कोई यहां पर है तो ये बीट जो है इसकी साउंड ये टकराएगी और वापस उसके पास आ जाएगी तो उसको अंदाजा लग जाता है कि सामने मेरा ऑब्जेक्ट है वो मुझे पकड़ना है इस तरीके से ठीक है जी अभी थोड़ा सा और वेट कर लो थोड़ा सा और वेट कर लो शायद अभी तो प्रैक्टिस सेट भी थोड़े से और हो जाएंगे काम हो जाएगा तब तक ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अच्छा कैपरा कैपरा एगा छोटा करना पड़ेगा कैपरा एगाग्रस दो नाम आ गए हैं कैपरा एगाग्रस तो कैपरा एगाग्रस जो है ये जो नाम है हिरकस 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 मुझे नाम देकर जाएगा कुछ ना कुछ छंट देकर जाएगा इज कॉमनली नोन एज तो भैया कैपरा कैपरा एगाग्रस हिरकस को सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं हाँ जी बताओ किस नाम से जानते हैं हाँ जी बताओ किस नाम से जानते हैं आंसर दे दो सी के नाम से सी के नाम से हैन हैन यहां से कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है ठीक है देखो मैं इसमें कोशिश करता हूं एगा ग्रस एगा एग्रा एग्रा ग्रस से नाम आ सकता है ग्रस देखो जल्दी में इसको में बोल सकता हूं ग्रस भी बोल सकता हूं इसको बोल सकता हूं ग्रास क्या बोल सकता हूं ग्रास अगर एक वर्ड और लगा देता तो क्या चला जाता है इसका चलो कोई बात है। नहीं लगाया उसने क्या लिखा है ग्रस ग्रस से नाम आता है ग्रास जो ग्रास खाने वाले होते हैं बेसिकली क्या मुर्गी घास खाती है नॉर्मली नहीं कुत्ता घास खाता है जनरली नहीं या तो काव या बकरी इन दोनों में से कौन सा एक नाम आ रखा है हिरक हिरकस हिरकस से अगर तुम समझो तो हिरण के जैसा और हिरण के जैसा गाय या बकरी में से कौन सा लगभग लगभग लगता है कौन आपका बकरी है ना ल्यूसेंट पढ़ लिया बहुत बढ़िया कर लिया बहुत बढ़िया ठीक है जी जंगली बकरी ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ठीक है बस थोड़ी कसर बाकी ग्रुप डी पर है ठीक है बहुत बढ़िया चलो ठीक है कमेंट बढ़िया करते रहो मजा आता रहता है ठीक है मुझे और एनर्जी मिल जाती है तुम लोगों के लिए बढ़िया थे। कोई बात नहीं नेक्स्ट वन चल रहे हैं क्वेश्चन पेपर में तो उसमें छाप ही छोड़ेंगे चलो बात बोल रहा है क्या बोल रहा है कि कॉमर्शियल वर्कनाइजेशन ऑफ रबर ठीक है बड़ी बड़ी कंपनी लगानी है उत्पादन करना है किसका रबर का रबर के वाणिज्यिक वर्कनाइजेशन में शामिल है वलकेनाइजेशन के लिए ये रबर है इस रबर का हमको क्या करना है वलकेनाइजेशन ठीक है वर्केनाइजेशन के लिए हम लोग इनमें से किसका यूज करने जा रहे हैं इनमें से ऐसा पूछ रहा है देखो बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया होता क्या है रबर में आपस में क्या देखने को मिलता है रबर में आपस में देखने को मिलती है क्रॉस लिंकिंग क्रॉस लिंकेज क्या देखने को मिलता है क्रॉस लिंकेज उस क्रॉस लिंकेज को उन बॉन्ड को बनवाने में हेल्प करता है आपके लिए कौन यहां पर हेल्प करता है आपका सल्फर इट मींस वर्लगेनाइजेशन ऑफ रबर में हमें जो इंपोर्टेंट है जिसके साथ रिएक्शन होता है वो कौन है आपका सल्फर कौन है सल्फर आगे बात समझ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा माइंड में रखने वाली बात है चलो जी ओके मैक्सिम बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है बहुत बढ़िया मानविंदर सिंह थैंक यू भाई राम राम भाई चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है

यहां आता है जिंक यहां आता है कैडमियम और यहां पर आता है नीचे मरकरी जिंदगी कद्दू हो गई चलो अगला क्वेश्चन बताओ सोचो एक बार सोचो और समझो मैं बता रहा हूं आपको हिंट दे रहा हूं क्या होता है <coughs> अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला ट्वेल्व का ठीक है ट्वेल्व का बिल्कुल ठीक है ओके आगे बात समझते हैं आपसे पूछा है सिग्मा बॉन्ड के बारे में ये सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या चक्कर होता है जरा देखो सिंगल बॉन्ड होता है जब भी कोई सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम लोग नाम देते हैं, सिग्मा. अगर ये में, तो चलो बात करते हैं जब भी आपको कोई ऐसा मॉलिक्यूल दे दे वो ऐसा इस तरीके से दे दे उसको क्या करना आप तोड़ देना बड़ा बड़ा बना के लिखा देना कार्बन इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन वन टू थ्री ये क्या है अगेन फिर से कार्बन इसके पास एक हाइड्रोजन यहां पर डबल बॉन्ड फिर यहां पर डबल बॉन्ड फिर यहां पर सी एच यहां पर एक हाइड्रोजन यहां पर एक कार्बन यहां पर दो और यहां पर सी सिंगल बॉन्ड एच सही है एक दो तीन चार पांच छ दो तीन चार पांच ठीक है।, है ओके तीन हो गया कंप्लीट एक यस कार्बन सात नथिंग यहां पर एक एच यहां पर नथिंग यहां पर एक एच काउंट कर लो फटाफट सिंगल बॉन्ड का चक्कर क्या पूछा है सिग्मा बॉन्ड चलो सिग्मा बॉन्ड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो इसमें टोटल बॉन्ड जो हो गए वो हो गए ग्यारह सिग्मा बॉन्ड टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए कितने ग्यारह पाई बॉन्ड बताओ कितना पाई बॉन्ड बताओ कितना टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए कितने ग्यारह कितने हो गए ग्यारह पाई बॉन्ड बताओ सिग्मा बॉन्ड तो आगे मेरे पास ग्यारह पाई बॉन्ड कितना होगा पाई बॉन्ड का आंसर कौन देगा जल्दी इसमें नहीं दे रखा ऑप्शन में हाँ इसका आंसर तो हो गया ग्यारह मैं तुमसे पूछ रहा हूं अगर क्वेश्चन पूछ ले तो पाई बॉन्ड का आंसर ठीक है पाई बॉन्ड कितने होंगे अगर हर कोई डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड पांच पाई बॉन्ड तीन ए, पाई बॉन्ड तीन या पाँच एक तो ये हाँ, एक तो ये मिलेगा आपका पाई बॉन्ड एक आपका ये मिलेगा पाई बॉन्ड एक आपका ये मिलेगा पाई बॉन्ड तो उसमें आपको तीन मिल जाएंगे कितने मिल जाएंगे तीन मिल जाएंगे कितने पाई बॉन्ड ठीक है चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्या बोल रहा है आपके घरों में जो लगती है मोमबत्ती क्या लगती है मोमबत्ती उस मोमबत्ती में क्या बोल रहा है कि क्या-क्या होता है उस मोमबत्ती में क्या-क्या होता है ये बताओ ठीक है जी तो चलो सर मेरा सपना है सिर्फ उम्मीद करता हूं भगवान तुम्हारे सपने को साकार करें और मुझे इतनी और शक्ति दे माँ सरस्वती को मेरी वाणी पे बैठा दे ठीक है और तुम्हारा ये काम पूरा बेहतरीन तरीके से मतलब देखो सब समय का चमत्कार होता है ठीक है होगा अगर आप लोग दिलो जान से लगे तो पक्का होगा ठीक है जी चलो कोई बात नहीं अब कुछ बच्चे कहेंगे सर दिलो जान से तो लगे हुए हैं बस डेढ़ नैरी तो करें क्या हाँ ये भी बात सही है भाई बिल्कुल ठीक है तो समझो कैंडल की बात करते हैं देखो जब भी कैंडल बात करते हैं तो हमेशा बात करेंगे किसकी यहां पर यूज होता है आपका पैराफीन वैक्स कौन सा वाला वैक्स एक और वैक्स होता है वो निकलता है मधुमक्खी के छत्ते से उसको बोलते हैं बी वैक्स क्या बोलते हैं बी वैक्स मधुमक्खी वाला छेद वो छेद यहां पर यूज नहीं होता यहां पर यूज होता है पैराफिन वैक्स जो हम लोग बनाते हैं किससे कार्बन इन सब से तो यहां पर देखो पैराफिन वैक्स ये बात अभी तक ठीक है क्या लिखा है बी वैक्स काटो हायर फैटी एसिड एंड स्टेरिक एसिड ये बात तो भी ठीक है यहां लिखा है बी वैक्स काटो एक दो खेल जाओ फिफ्टी फिफ्टी में अब सर में सुजीत कुमार ओके ओके तो ठीक है पैराफिन वैक्स का आंसर कौन सा ये वाला आंसर जाएगा पैराफिन वैक्स और स्टेरिक एसिड पैराफिन वैक्स और स्टेरिक एसिड ओके ओके बिल्कुल होगा भाई बिल्कुल होगा मेरा भी होगा चलो ठीक है सुजीत हर्ष खटाना ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है देखो जनरली क्या होता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये ये थोड़ा सा घुमा देगा आप लोगों को शायद कैसे घुमाएगा आप लोगों से पूछा है नॉर्मली एट थर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है तीन मेटल्स हैं वो क्या है लिक्विड है तो मेरी बात समझा तीन लकड़ अगर मैं जनरली मुझे दो का तो पता है Mercury और लिक्विड ये, ये, ये होते हैं है आपके लिक्विड अगर यहां पर जब टेम्परेचर जीरो डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएगा लगभग लगभग ये कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं है थर्टी डिग्री सेल्सियस जाएगा तो यहां पर एक तो आपका गैलियम कौन है आपका गैलियम और एक आपका सीजियम ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों भी बदल जाएंगे किस में बदल जाएंगे ये दोनों के दोनों भी बदल जाएंगे द्रव कि लिक्विड में आ गई बात समझ में जी तो एक तो आपको मिल गया मरकरी एक आपको मिल गया गैलियम एक आपको मिल गया सीजियम ये होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकिन 30 डिग्री की जब बात करोगे उस पर गैलियम और सीजियम ये दोनों भी क्या हो जाएंगे आप लोगों के ये भी बन जाएंगे आपके धातु तरल बन जाएंगे लिक्विड बन जाएंगे मरकरी है आपके पास ऑलरेडी पहले से था इसको काटो ये है आयरन नहीं ये तो मेटल है टिन और लेड इसको भी काटो लेकिन यहां मरकरी मिल रहा था अब एक ही बच गया आपके पास मरकरी गैलियम और सीजियम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आप लोगों से पूछा है बताओगे कैसे बताओगे कि यहां पर दे रखा है एक्वारजिया एक्वा रजिया ये क्या होता है देखो भैया ये मिक्सचर है क्या है ये मिक्सचर है कौन एक्वा एक्वा रजिया इस एक्वा रजिया में मिक्स है क्या क्या मिक्स है इसमें देखो अगर आपको यहां पर थ्री एक पार्ट में मिला हो और एच सी एल इसके थ्री पार्ट में वन इंस टू थ्री का रेशियो वन इस टू थ्री का अच्छा देखो लिखा भी है वन टू थ्री का मिक्सचर है किसका एक पार्ट तो होता है यस बिल्कुल सही बोल रहा है यहां पर ठीक है नाइट्रिक अम्ल और दूसरा क्या है आपका एच सी एल तीन पार्ट होते हैं आपके HCL के एक पार्ट होता है आपका HNO3 का इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जो मिक्सचर होता है उसी मिक्सचर को बोला जाता है आपका एक्वा रजिया क्या बोला जाता है एक्वा रजिया तो कहां लिखा हुआ है एच सी एल कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट एच सी एल एक जबकि रेशियो कितना है is to 3, उसने फिक्स कर रखा है पहले ही तो यहां पर पहले आपका एच एन ओ थ्री आएगा पहले तो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ना नहीं होता क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड ना क्या होता है एच एन ओ थ्री तो इसमें कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं पहले ये नहीं आएगा पहले आएगा एच एनओ थ्री तो ऐसा ऑप्शन केवल एक मिल रहा है वो है आपका पहला वाला ठीक है भाई चलो सिक्सटीन का ए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा है क्या पूछा है वॉट परसेंटेज कौन भाई ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें फैक्ट है ये इसमें कुछ किया नहीं जा सकता कि पूछा है वायुमंडल में हमारे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की अधिकतम कितनी मात्रा होती है हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना उस एटमॉस्फेयर में ओके में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ओके ओके कोई बात नहीं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है एटमॉस्फेयर में जो आपकी वेपर होती है किसमें वेपर होती है वाटर में ठीक है वो कितना परसेंट होती है उसमें टोटल वाटर का वेपर देखोगे तो भैया ये फैक्ट है इसको एक बार ध्यान रखना प्लीज ये होता है थ्री टू फोर परसेंट थ्री टू फोर परसेंट ऑप्शन बी और इस क्वेश्चन को कहां डालोगे इस क्वेश्चन को डालो एम में कहां पर डालोगे एम में डालो इसको ठीक है गलती करवा देगा पक्का है ना अब ये चलो ओके इसको डाल दो भाई एम टी आर में ठीक है वाटर वेपर कितना पार्ट है थ्री टू फोर पार्ट थ्री टू फोर परसेंट ओके चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की देखो होता क्या है जब थोड़ी सी वैल्यू बच्चों के बीच में आ जाती है तो फिर टीचर का काम ये बन जाता है कि चीज़ों को और अच्छे से लेके आए है ना चलो ठीक है फोर टू फाइव नहीं है थ्री टू फोर परसेंट है ठीक है जी सर आपने नंबर दे दो <laughs> यार ये पॉलिसी नहीं है प्लीज़ जो भी कोई बात है आप यहां बता दो बच्चों मैं आपके साथ हूँ हमेशा सा, तुम जैसा कहोगे वैसा है ना देखो कीटाणुओं की बात हो गई अलग लेकिन जो बचा कुचा रह जाता है उस बचे कुचे को पॉइंट खर्च होता है सर फोर टू फाइव फोर टू फाइव नहीं बाबू चलो एक बार मैं में ले लूंगा इसका अगर होगा तो बाद में ठीक है चलो क्लोरीन है क्लोरीन कई बार क्या होता है शहरों में पानी को साफ करने के लिए ठीक है शहरों में पानी को साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका क्लोरीन का तो शोधन का, का काम करती है बिल्कुल करती है ठीक है जितना तो तुमने यूज कर लिया ठीक है और जो बाकी बचा कुचा रह गया उसको बोलते हैं अफसिस्ट यानी कि रेजिडुअल क्लोरीन क्या बोलते हैं उसको रेजिडुअल क्लोरीन बात बिल्कुल सही है ठीक है जी चलें आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये लो व्हाट आर द मेजर पॉल्यूटेंट सिगरेट के धुएं में सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के और इस सिगरेट के धुएं में जो आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है सर मैं ब्लॉक हो गया राजे साक्य कैसे ब्लॉक हो गया भाई हमने तो नहीं किया है ना मैंने नहीं किया हमारे यहां से नहीं हुआ भाई अगर हुआ है तो अपने आप वहीं से हुआ है 19 का 19 का 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 बी 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 है है अच्छा 19 का तुम लोगों को 19 का लोगों को को क्यों याद आ रहा आप इसलिए याद आ रहा होगा क्योंकि आपको लग रहा है उसमें क्या है उसमें आपको दिख रहा है निकोटीन है क्या दिख रहा है आपको उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो बात सही है क्यों जब तुम उसको उड़ा करके जब उसको छल्ला बनाते हो है ना ठीक है तो उसमें क्या होता है वो पूरी तरह जलता नहीं है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर डाइ ये तो कुछ होता ही नहीं है एंड बेंजीन बेंजीन काटो डाइऑक्सिन ये भी कुछ नहीं है तो बचता है निकोटीन इसलिए एक कंपनी होती है कोई कंपनी है उसका आता है निकोटैक्स क्या आता है निकोटैक्स किसी का गुटखा छुड़ाना हो किसकी बीड़ी छुड़ानी हो उसके लिए यूज करते हैं क्या लगाते हैं उसके लिए लगाते हैं हम लोग यूज करते हैं निकोटेक्स कंपनी बहुत खर्चा करती है इसके ऊपर ब्रांड के ऊपर तो ये पूरा जलता नहीं है और उसमें क्या मिक्स होता है निकोटेक्स इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट पूछता है सबसे वीक फोर्स सबसे वीक फोर्स पता तो होगा शायद सबसे वीक फोर्स जो होता है वो क्या होता है हां जी सबसे जो वीक फोर्स होता है वो क्या होता है हां देखो चार तरह का फोर्स है मेरे पास सबसे पहला स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है ये फोर्स होता है आपका न्यूक्लियर कौन सा होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके बाद बात करते हैं दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ दूसरा वाला सबसे पहले नंबर का ये वाला दूसरे नंबर का आपका उससे कम ये वाला तीसरे नंबर का आपका वीक फोर्स होता है ये वाला और चौथा सबसे कमजोर फोर्स होता है आपका ये वाला तो अब आपको आपका आंसर मिल गया होगा शायद है ना ठीक है आपका आंसर क्या जाएगा इसमें ए वाला ठीक है भाई चलो जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कुछ सिंपल क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छे खाते हैं भाई सही से देखो वेलोसिटी है किसका वेलोसिटी है ध्वनि का वायु में ध्वनि का वेग वायु है यहां पर साउंड है बिल्कुल मीडियम है इसमें किसके बदलने से नहीं बदलता किसके बदलने से इसका वायु में ध्वनि का वेग किसके बदलने से नहीं बदलता हाँ जी क्या टेंपरेचर के बदलने से अगर देखो भैया टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो आपके बाद दूर तो जाएगी शायद ऐसा प्रेशर के बदलने से मॉइस्चर कंटेंट इन एयर विंड इन द डायरेक्शन हां जी अगर हवा इधर की है तुम उससे बोलते रहो चिल्लाते रहो कहते रहो तुम्हारी आवाज नहीं जा रही उस तक है ना तो हवा इधर की है और बोलना चाह रहे हो उधर खेच के ले जाएगी आवाज को इधर तो ये तो होगा नहीं और क्या है और आपका देखते हैं नेक्स्ट वन दूसरा क्या है नेक्स्ट वन क्या है हवा हो गया काटो मॉइस्चर बहुत ज्यादा नमी है तो वो क्या करेगी आपकी आवाज को बैठा देगी शायद नहीं पहुंच पाएगी तुम तो चिल्लाने की कोशिश करो तब भी क्या है प्रेशर प्रेशर कितना ही घटाओ कितना भी गढ़ाओ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता तो बात आती है मिलनी किसकी प्रेशर की किसकी बात आती है दाब की ओके चलो नेक्स्ट अगला पार्ट क्या अगला पार्ट है एटॉमिक पावर प्लांट है कोई एटॉमिक पावर प्लांट है जैसे कि ठीक है क्या है विद्युत जहां पर बिजली बनने का काम होता है ऐसा वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है वहां पर जो बिजली बनती है वो विखंडन के प्रोसेस पर काम करता है वो जोड़ने के प्रोसेस पर काम करता है थर्मल कंबेशन ताप या दहन होता है या कंबाइंड इफेक्ट होता है इन सब का इन तीनों चारों का सबसे ज्यादा कंबाइंड इफेक्ट होता है वो किस में होता है गलत मत करो अगर सुनो गलत कर भी रहे हो तो कोई बात नहीं आपको सुधारने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है बहुत बड़ा ठीक है कहीं कहीं बहुत पास जा रहे हो बफरिंग हो रही है बफरिंग मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा भाई

Vision. इस सिद्धांत पर काम करता है भाई हीट तो बाद में आएगी हीट तो बहुत बाद में आएगी हीट से पहले तो क्या हो जाएगा उसका टूटना फूटना हो जाएगा ठीक है आप लोगों में भी ऐसी होता है हीट जब आती है रोटी जब खाते हो खाना खाते हो पहले टूटता है फूटता है फिर कुछ जुड़ता है और उसके बदले में क्या होती है हीट रिलीज होती है चलो आंसर ये वाला अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये आंसर देखते हैं भैया शायद आप लोगों को पता हो उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों को पता हो ऐसा क्वेश्चन डालना इसलिए पड़ता है पता नहीं कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाए कौन सा क्वेश्चन बन जाए कौन है यहां पर दे रखा है मरकरी बैरोमीटर मरकरी बैरोमीटर पारा बैरोमीटर का जो आविष्कार किया है वो किसने किया है पोल लगाओ इसके ऊपर देखते हैं कौन कितना देता है मरकरी बैरोमीटर का जो आपका आविष्कार है वो किसने किया है मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है बिल्कुल बिल्कुल मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार अच्छा ओके ओके मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार थर्टी थ्री थर्टी एट ओके ठीक है अच्छा ओके देखो बिल्कुल बिल्कुल सही है बिल्कुल मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार इसमें कुछ नहीं है, फैक्ट है सीधा सीधा ऐसे आपको पंद्रह से बीस लिखवाऊंगा पंद्रह से बीस भी साथ ज्यादा हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ठीक है तो मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार आपका किया था? किसने? सैली ने. किसने किया था था किसने किसने ने ने ठीक है जी मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार आपको याद रखना है कोई फैक्ट है इसमें सीधा सीधा एक साइंटिस्ट की डिस्कवरी रखी है उसके बारे में पूछा है मरकरी बैरोमीटर का आविष्कार जो करने वाले थे आपका टॉरसैली कौन है जी टोरसे बोलो टॉर कैली बोलो आगे बासन में चलो नेक्स्ट बात क्या बोला है क्वेश्चन नॉर्मल है देखो अब पता है आपको मैं बताऊं एक तो कुछ पेपर होता है आपका रेलवे का और कौन सा पेपर होता है जिसमें दो दो तीन कंसेप्ट करता है देखो नाइनटी परसेंट क्या होता है रेलवे का जो भी कोई क्वेश्चन बनता है ना उसमें केवल एक फॉर्मुला लगता है नाइनटी परसेंट क्वेश्चन जो भी होंगे फिजिक्स के एक फॉर्मुला लगेगा कुछ परसेंट में रेयर में ऐसा हो सकता है कि दो फॉर्मुला यूज करने पड़ जाए रेयर में बता रहा हूँ लेकिन नाइन्टी तो आपको एक ही फॉर्मूल लगाओगे नॉर्मली वो आपका काम हो जाएगा आगे बासन में चलो देखो अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे दिया क्या है दिया क्या है ओके okay. पूछा क्या है ठीक है तीसरी बात उनका संबंध क्या है तो दिया क्या क्या है उसने पहली बात एक तो दिया है उसने एक बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध आर बराबर कितना दे रखा है प्रतिरोध 150 ओम दिया है ठीक है दूसरा दिया है वोल्टेज क्या दिया है वोल्टेज V बराबर 220 वोल्ट पूछा क्या है पूछा है किसके बारे में आई के बारे में पूछा है क्या इसमें 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 और आपको कोई संबंध पता होता है तो संबंध होता है ओम्स का लॉ वी इज्कवल टू आई आर से ये दिया है ये दिया है ये पूछा है तो ये कहाँ जाएगा वी बटे आर बटे में आ जाएगा वी की वैल्यू दो सौ बीस बटे एक सौ पचास जीरो से जीरो कट जाएगा पंद्रह एकम्मा पंद्रह पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा ली

तो उस गाड़ी का जो वेग है पहले तो इतना था बाद में इतना कर दिया ठीक है यदि कार का जो द्रवमान है वो इतना है इतना है तो उस पर किया गया कुल कार्य कितना होगा देखो भाई साहब ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है यहां पर क्या किया गया है यहाँ पर किया गया है वेग में परिवर्तन यानी कि जो कुल ऊर्जा होती है 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 इसमें चल रहा है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रहा तो गाड़ी 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 रही रही तो चलने से क्या होता है उसमें उसमें आती आती है गती। गती आती है गति गति और की वजह से ऊर्जा तो हम लोग क्या देखेंगे गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ वो उसके कुल किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा उसकी गति ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा उसके कुल किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा जरा देखो तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा वन बाई हाफ एम यानी कि v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर एक बटे दो गुणा एम कितना तीन सौ टू कितना है v2 है आपका पंद्रह 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 का पंद्रा में गुणा। का में स्क्वायर बन जाएगा दो सो पच्चीस माइनस पांच का स्क्वायर बन जाएगा आपका पांच का स्क्वायर बन जाएगा आपका पच्चीस तो दो सो पच्चीस में से पच्चीस चले जाएंगे ये बन जाएगा आपका दो सो एक बटे दो गुणा तीन सो गुना दो सो इससे पावर फोर जूल ये क्या है काइनेटिक एनर्जी का मात्रक होता है जूल 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 ठीक थ्री इंटू टेन की पावर फोर जूल अब एक गलती हो गई भाई साहब गलती क्या हो गई यहाँ पर थ्री इंटू टेन की पावर थ्री यहाँ पर थ्री इंटू टेन की पावर थ्री भाई साहब कोई सा एक कर लो थ्री इंटू टेन की पावर फोर ये भाई साहब हमारे टाइप टाइप की गलती हो गई थोड़ी सी या तो आप इसको देख लो मैं इसको बी कर देता हूँ थ्री इंटू की पावर फोर जूल ठीक है जी अब शायद मुझे लगता है तुम लोगों को कुछ कुछ मजा आने लगे ना है ना सर अपनी डी आई पी एल चेंज कर लो नहीं तो ये लड़के तुम्हें परेशान कर लेंगे कैसे भाई चलो ऐसा मत करो कोई बात नहीं अब मैं आप लोगों से कैसे दूर हो सकता हूँ बताओ है ना जब तक एक वादा किया है जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन तब तक नहीं रहता तब तक तो तुमसे अलग हो भी नहीं सकते ना बात ऐसी है चले ठीक है आप लोगों से कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री राम राधे राधे ठीक है मेहनत करते रहिएगा लगे रहिएगा बस के बोला